हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से बहुत लोग को पता ही होगा, मैं पिछले 2.5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। कोविड के टाइम चालू किया था 2020 में, लेकिन 2022 हैज बीन द बेस्ट ईयर सो फार। मैं लिटरली सोच भी नहीं सकता था मैं ऐसे प्रॉफिट्स देखूंगा सर। व्हेन आई मीन ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे नहीं कि मैं करोड़ों में कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। कंपेयर टू 2020 एंड 2021, 2022 हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग ईयर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। इसके पीछे बहुत रीजन है, लेकिन वन मेजर रीजन इज दिस बुक, एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं है सर। दिस बुक इज ऑल अबाउट हैबिट क्रिएशन। और आपको ही पता है, ट्रेडिंग इज नथिंग बट मसल मेमोरी, पैटर्न फाइंड आउट करना और रिस्क बराबर मैनेज करना, उतना ही है सर ट्रेडिंग। सो एक चीज आप बार बार रिपीट करोगे, आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कोहली बढ़िया कवर ड्राइव मारता है सर नेट्स में, इसलिए मैच में ऐसा दिखता है अपने को। सो प्रैक्टिस से ही आप अच्छा बनोगे सर। इस बुक में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इधर मैं सिर्फ 5 पॉइंट हाईलाइट करूंगा और ट्रेडिंग के साथ रिलेट करूंगा और कैसे मैं इंप्रूव किया ये साल। चलो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर वन, चेंजेस दैट सीम स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट एट फर्स्ट विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट्स इफ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर इयर्स। इसका मतलब है, आप आपकी ट्रेडिंग में छोटा बदलाव कर रहे हो, वो स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या ये फालतू है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवर द इयर्स बार बार रिपीट करोगे ना, दैट स्मॉल चेंज कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर ट्रेडिंग सर। मैं दो एग्जाम्पल बोलता हूँ अपने ट्रेडिंग के बारे में। आप में से बहुत लोग को पता नहीं होगा, मैं इस साल के इवन मार्च और फरवरी तक 1 मिनट में ट्रेड करता था सर, 5 और 15 मिनट देखता भी नहीं था। तो इस साल था कि बस मेरे को चेंज करना है, वो मेरे को 5 और 15 मिनट में मूव करना है। क्योंकि क्या होता है ना, मेनी टाइम्स 1 मिनट में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होता है सर, बहुत बार ट्रैप होते हो आप। तो मेरे को अपना एक्यूरेसी बढ़ाना था सर, तो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए एडजस्ट होना 1 मिनट टू 5 मिनट, क्योंकि आपको ही पता होगा 1 मिनट में बहुत सही एंट्री मिलता है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स मैं रियलाइज किया, बस 5 मिनट और 15 मिनट मेरे लिए सही है। मेरे प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लगे और मेरा एक्यूरेसी भी इंप्रूव हुआ। सेकेंड स्टेप, मैं 2 बजे के बाद ट्रेड करना बंद कर दिया। करता भी हूँ तो 1 या 2 लॉट पे करता हूँ सर, जनरली मैं 5-6 लॉट पे करता हूँ, लेकिन 2 बजे के बाद मैं ट्रेडिंग बिल्कुल कम कर देता हूँ। क्योंकि मैं रियलाइज किया कि बस मार्केट बहुत चौपी रहता है, दोनों साइड का एसएल खाता है और मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं करता है 2 बजे के बाद, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। आपको मैं बता नहीं सकता सर, ये दो छोटे छोटे स्टेप मेरे ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव किया है ये सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड बी फार मोर कंसर्न विथ योर करंट ट्रेजेक्ट्री देन योर करंट रिजल्ट्स। हम में से बहुत लोग जब ट्रेडिंग चालू करते हैं, पहले तो लॉसेस होंगे ही, फिर धीरे धीरे करके ब्रेक इवन होते हो, फिर जाके प्रॉफिटेबल होते हो सर। लेकिन वो ब्रेक इवन का फेज है ना, वो बहुत टफ रहता है। मैं वो फेज से गुजर चुका हूँ, इसलिए मेरे को पता है कैसा रहता है। आप धीरे धीरे करके अकाउंट बढ़ाते हो, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, फिर एक थोड़ा बड़ा लॉस आता है, फिर जाके थोड़ा रिकवर करते हो, कहीं नहीं जाता सर अकाउंट, और ब्रोकरेज और टैक्सेस तो देने ही पड़ते हैं आपको। वो फेस बहुत डिमोटिवेटिंग रहता है सर, वो कंसल्टेशन जो रहता है ना बहुत टाइम रहता है। ये पीरियड विल डिफाइन यू कि बॉस आप ट्रेडर है हो कि नहीं। ये पीरियड डिसाइड करेगा कि आप ब्रेकआउट करोगे या ब्रेकडाउन करोगे। लेकिन अगर आपको पता है ये कंसल्टेशन फेस में आप कुछ सीख रहे हो, डेली इंप्रूव कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, पिछले मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना करना, लॉन्ग टर्म में आप पक्का सक्सेसफुल होगे सर। ये लिख के दे रहा हूँ कि कोई रोक नहीं सकता आपको। आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपका ग्राफ ऐसा है कि नहीं। ये प्रॉफिट के पीछे भागना बंद करो सर। आज आप 5,000 के पीछे भाग रहे हो, कल 5,000 आपके लिए छोटा होगा, फिर आप 50,000 के पीछे भागोगे। तो पैसे के पीछे भागना बंद करो, आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये फेस में बहुत लोग क्या करते हैं ना, दूसरों से कंपेयर करते हैं सर। इंस्टाग्राम के रील देखेंगे, यूट्यूब देखोगे, लगे कि बॉस ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, रोज लॉस करता हूँ। ऐसा नहीं है सर, हम भी लॉस करते थे पहले, धीरे धीरे ऐसे प्रॉफिट बना रहे हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, द फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन, नॉट गेटिंग टू अ पर्टिकुलर आउटकम। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आज आपका डेली टारगेट है 5,000 रुपीज कमाना, ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आपके हाथ में है कमाना? वो तो मार्केट के हाथ में है ना, आपको वो देगा कि नहीं देगा। जब फ्लो में आपका ट्रेडिंग चल रहा है, जब लगातार प्रॉफिट बन रहा है, मार्केट आसानी से 500 रुपये देगा सर। लेकिन जब आपका ड्रॉडाउन चल रहा है ना, लगातार लॉस हो रहा है ना, आपको मार्केट 10 रुपये के लिए भी सताएगा। आप अपना एमटीएम में ना ग्रीन कलर देखने के लिए तरसोगे सर, मार्केट आपको उतना सताएगा। तो पैसा कमाना आपके हाथ में नहीं है सर, आपके हाथ में है स्किल डेवलप करना, आपके हाथ में है रूल्स मेंटेन करना। ओवर ट्रेडिंग करके 2 दिन में आप 1 लाख भी कमाओ सर, लेकिन नेक्स्ट डे आप गवाओगे 100%। जब तक आप एक प्रोसेस के साथ एक स्टेज नहीं पहुंचते ना, आप गिरोगे भी ऐसे ही। फोर्थ पॉइंट, यू गेट वॉट यू रिपीट। आप अगर मेरा कमेंट सेक्शन उठा के देखोगे,
बहुत लोग बोलेंगे 5 MA काम नहीं करता है, बोलेंगे बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। मैं खुद बोल रहा हूँ सर, बार बार स्टॉप लॉस हिट होता ही है, लेकिन जब प्रॉफिट देता है ना, बहुत सही पैसा देता है सर। आपको पता है मैं क्यों इतना यूज करता हूँ 5 MA? क्योंकि मेरे को पता है सर, अगर 10 में से 5 ट्रेड में मेरे लॉस हुए ना, बाकी के 5 ट्रेड में ना मैं 1:2 तक मिनिमम कमाऊंगा। और अगर एक चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा ना, मैं परफेक्ट होते जाऊंगा धीरे धीरे करके। परफेक्ट डजंट मीन मैं लॉस नहीं करूंगा, मेरे को पता रहेगा लॉस कैसे मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो अगर बार बार किसी सेटअप को आप रिपीट करोगे ना, आप धीरे धीरे परफेक्ट होते रहोगे उसमें। लेकिन आप 100 सेटअप के पीछे भागते रहोगे ना, आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनोगे। और वो मुहावरा है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आपका ट्रेडिंग ऐसा हो जाएगा। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स आर इन द प्रेजेंट, द कॉस्ट ऑफ योर बैड हैबिट्स आर इन द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप उस दिन ओवर ट्रेडिंग किए, रिस्क मैनेजमेंट बराबर मैनेज नहीं किए, और आपको मार्केट ने गलती से पैसा भी दे दिया सर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपका 25,000 का अकाउंट था, ठीक है, आप एक्सपायरी के दिन इतना अच्छा मूव आया, आप पूरा 25,000 घुसाड़ दिया उसके अंदर, आपका 25,000 बन गया 1 लाख। लेकिन आपको भी पता है एक्सपायरी के मूव हर बार नहीं आते, लेकिन नेक्स्ट डे आप वापस एक्सपेक्ट करोगे मार्केट ऐसा मूव देगा, और आप 1 लाख लगाओगे वो ट्रेड में, और वो 1,50,000 हो जाएगा, और आप इमिडिएटली पैनिक करोगे क्योंकि आपने कभी इतना बड़ा लॉस नहीं देखा है कभी लाइफ में। सो जैसे ही बोला, आप ओवर ट्रेडिंग करके बराबर रिस्क मैनेज ना करके 1 दिन 2 दिन 3 महीना 6 महीना पैसा भी कमा लोगे सर, लेकिन लॉन्ग टर्म है ना, आप बिल्कुल पैसा ना बनाओगे। बिना गुड हैबिट्स के, बिना एक रूटीन फॉलो किए कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना है। तो आपको लगता है आप ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बनोगे? ऑल द बेस्ट टू यू सर। तो गुड हैबिट्स कल्टीवेट करो, इनिशियली बहुत मुश्किल रहता है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप कुछ सीख पाए, कुछ गुड हैबिट्स कल्टीवेट करें ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और इम्प्रूव करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।